ओ नदियों पार सजन दा ठाणा, नदियों पार सजन दा ठाणा, कीते कॉल जरूरी जाना। तो यार कैसे हो आप सभी का स्वागत है गर्ल्स हॉस्टल सीजन टू का रिव्यू लेकर आ गए हैं हम। तो यार सबसे पहले मैं पॉजिटिव्स की बात कर लेता हूँ। यार मूवी और वेब सीरीज जो है वो कुछ अच्छे टॉपिक्स उठाती है, जैसे ईव टीजिंग, जो लड़की ईव टीजिंग होती है, क्या बोलते हैं ये हॉस्टल वोस्टल के बाहर जो चाय की टपरियों पे लोग आ जाते हैं, या वगैरह वगैरह जो जो भी उनको फेस करना पड़ता है ना, जो भी छेड़ाछाड़ी, वो लाइक वेब सीरीज ने अच्छे से उठाई है, अच्छे से बात करी है उस पर। और जो कॉलेजेस का भी एक साइड दिखा है, जो कॉलेज वाले डीन वीन जो हेड होते हैं वो दबाने की कोशिश करते हैं कि भाई रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी कॉलेज की, नाम ख़राब हो जाएगा कॉलेज का। सो ये भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा यार इस वेब सीरीज़ में। पॉजिटिव पॉइंट करना चाहूँ भाई जो की एक्टिंग, जो सृष्टि श्रीवास्तव ने करा उनका रोल, भाई जो का कैरेक्टर तो मेरे को सीजन वन से ही अच्छा था, सीजन टू में मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है यार उसका, एकदम बैड है, एकदम बिंदास कैरेक्टर, क्या बोलते हैं, एकदम बिंदास। और फिर तो यार वो भाई टपरी पे अपने ट्रेलर में देखा ही था, वो मारती है लॉन्डो को, बहुत सही था। और एंड में जो वो ज़ाहिरा के लिए स्पीच देती है ना यार, लाइक दिल ले जाती है यार, मतलब इतना अच्छा लगता है ना वो सुन के। और डायलॉग्स बहुत पावरफुल है, पता है इसमें थर्ड पॉइंट है इसके डायलॉग्स बहुत पावरफुल डायलॉग्स है। जैसे जो जो स्पीच देती है उसमें एक डायलॉग रहता है कि लाइक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेजिंग योर वॉइस एंड मेकिंग नॉइस, मिली का डायलॉग जो हमने ट्रेलर में सुना था कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट विनिंग, इट्स अबाउट फाइटिंग, जो वो बोलती है स्टाइल से। डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं यार इसमें। और एक्टिंग तो देखो सब ने अच्छी करी है, सभी ने ऐसा चन्ना, पारुल गुलाटी, सिमरन नाटेकर, सृष्टि भैया, गगन भाई भी हमारे इसमें, श्रेया मेहता भी हैं जो हमारी क्या बोलते हैं राम में मंत्री बनती है उसमें, बहुत ही उनका तो यार जो रोल निकल के आया ना यार, क्या एकदम खतरनाक रोल, एकदम गुस्से वाला एरोगेंस वाला रोल था यार वो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार जिस तरीके से उन्होंने राम्या मंत्री का रोल कराया ना यार, मज़ा आ गया देखकर। नेगेटिव्स की थोड़ी अगर बात करो यार, नेगेटिव्स मेरे को ऐसा नहीं लगे, लेकिन इस ये सीजन वन के कंपैरिजन में सीजन टू उतना एंटरटेनिंग नहीं है। लाइक सीजन इसमें सीजन टू ने इनको फुल इलेक्शंस यानी कॉलेज इलेक्शंस के ऊपर ही रखा है सीजन टू को, जहाँ हम सीजन वन में देखते थे हर एपिसोड में थोड़ा अलग अलग स्टोरी चलती रहती थी, इनने पूरा सीजन टू कॉलेज इलेक्शंस के ऊपर ही बेस रखा है। ऐसा नहीं कि बहुत बोर भी हो जाओगे है ना, ऐसा नहीं है, ओके ओके टाइम पास वेब सीरीज देख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं बहुत पंचेस, बहुत मजा आ रहा है उतना नहीं मिलेगा सीजन वन के कंपैरिजन में। तो ये थोड़ी सी एंटरटेनमेंट में कम पड़ गई है, मैं तो यही मानता हूँ है ना। और अगर लेकिन सिर्फ आपको ऐसे टाइम पास मारना है ना, सिर्फ ऐसे ही देखना है टाइम पास के लिए, देख सकते हो। मैंने भी ऐसे टाइम पास में देखते देखते निकाल दी थी, मेरे को तो पाँच एपिसोड आधे आधे घंटे के पता भी चलेगा, बहुत जल्दी ढाई घंटे में ख़त्म हो जाएगी। अच्छी वेब सीरीज़ है, एंटरटेन भी हो जाओगे ज़्यादा, ऐसा मत सोचना कि बोर यार बोर हो जाएंगे, नहीं, अच्छी वेब सीरीज़ है, जाओ देखो। इसको मैं दूंगा 9 out of 10 स्टार्स, हाँ सही है। मेरे को तो अच्छी लगी यार, मेरे को तो सारे चारों कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं, और जिस तरीके से इन्हें स्टोरी पोर्ट्रे करी है, स्क्रीन प्ले, डायरेक्टिंग, म्यूज़िक, और जो इनके इमोशनल स्टेट, रिलेशनशिप्स कॉलेज के कैसे होते हैं, सब मुझे बहुत अच्छा लगा है। बस एक ही मैं कहूँगा, शायद कुछ लोगों को ये उतनी एंटरटेनिंग ना लगे, इसलिए फॉर दैट रीज़न आई एम कटिंग 1 star। बस यार यही था रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब जल्दी करो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो तुम्हारे भाई के चैनल को, वीडियो को शेयर करो और कमेंट कर दो। अगर आपके दिमाग में कोई आइडियाज हो मैं वीडियो बना सकता हूँ तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके ऊपर रिव्यू लाने की। तब तक के लिए यार मेरा नाम है रजत पवार फ्रॉम रजत रिव्यूज, साइनिंग ऑफ।